तो मेरी बन रही है यहाँ पे लौकी की चटनी। और मैंने आज अपना ब्लॉग दिन से स्टार्ट किया है। अभी टाइम हो रहे हैं 10:30। हाँ, सुबह से मतलब 10:30 हो रहे हैं अभी। तो ये मैंने निकाल लिया है चलनी में, और चलनी इसमें पानी निकाल कर छान कर इसको फिर मैं इसे मैश कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए मैंने एक कटोरा लिया है, उसमें अच्छे से मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद फिर देखना कैसी बनेगी मेरी चटनी। और ये बहुत अच्छी बनती है, सही में अच्छा टेस्ट होता है इसका, अच्छी लगती है। वही हर चीज़ अपने अपने हिसाब से, और वैसे ही सबका टेस्ट अलग अलग होता है। ये नहीं कि मुझे अच्छी लगी तो सबको अच्छी लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका टेस्ट अलग अलग होता है, मुझे तो अच्छी लगती है भैया। तो यहाँ पे देखो कढ़ाई रख दी, इसमें सरसों का तेल डाला है मैंने यहाँ पर, और यहाँ डालूँगी मैं यहाँ पर अभी जीरा। तो जीरा डाल दिया है, और प्याज और हरी मिर्च मैं साथ में ही काटती हूँ। तो मैंने डाल दी है प्याज हरी मिर्च, और अच्छे से सब भूनना है, हल्की सी लाल हो जाए। तो फिर इसमें डालूँगी मैं टमाटर। तो इसमें डाले हैं मैंने टमाटर, और घर के मसाले जो होते हैं वही डाले हैं बस, और इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। तो ये मसाले मैंने पहले पानी में घोल कर इसमें पेस्ट बना लिया था इसका एक, तब डाले हैं। सूखे मसाले नहीं डाले क्योंकि अभी कढ़ाई में लगने लगते हैं। ये मेरी हल्की वाली कढ़ाई है, बहुत ही हल्की है ये। तो मैंने कहा चटनी चलो इसी में बना लेते हैं, और कढ़ाई में लगने लगते हैं फिर मसाले। तो मैंने हल्का सा पानी डालकर फिर मैंने मसाले को फ्राई किया है, और मसाले मेरे पक गए हैं अच्छे से। फिर मैंने इसमें मैश किया हुआ लौकी डाल दिया है, और आपकी मर्जी है मिक्सर में पीसो या सिलबट्टे पे, या मैंने तो ऐसे ही कर लिया क्योंकि मेरी उबल गई थी ज़्यादा अच्छे से, तो मैंने ऐसी चमचे से कर लिया था तो वो मेरे हो गई थी। तो ये मैंने हो गई है, और अच्छी से देखो यहाँ पर बन गई है मेरी, पक गई है, वो बन रही है मेरी लौकी। और यहाँ मैं स्लिप साफ कर दे रही हूँ लगे हाथ, तो सारा काम लगे हाथ करते रहो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर सारी रसोई में घेसला सा फैल जाता है पूरे में, इधर उधर हो जाता है। फिर खट्टी साफ़ करो तो टाइम भी लगता है। तो मैंने साथ के साथ लगे हाथ करते भी गई हूँ। इसमें डाल दिए हैं धनिए हरे, और मैं धनिया हमेशा काट कर रखती हूँ इसमें, क्योंकि सूखते भी नहीं है। काट कर रखो तो वैसे रखो तो फिर कटते भी नहीं, सूख जाते हैं। तो अगर ऐसे सूख जाएँ तो फिर डल तब भी जाते हैं। तो यहाँ मेरा आटा पहले ही लगा लिया था मैंने, तो इसे एक मैंने डिब्बे में निकाल कर रख दिया बाहर। इसमें डिब्बे में निकाल के इसे रखती हूँ ताकि जगह रहे किचन में, इसलिए। तो ये देखिए मैंने कर दिए, और मुझे कुछ बर्तन नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने छोटी कढ़ाई में ही करके रख दिए, साथ के साथ खाली करती गई हूँ मैं। और उस कढ़ाई में मेरी दूसरी सब्ज़ी बन रही थी, सोयाबीन और आलू, साबुत आलू और सोयाबीन। तो मैंने वो पहले ही बना ली थी, तो वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हर किसी को आती है भैया वाली सब्ज़ी। तो लौकी की चटनी किसी को पता है किसी को नहीं, तो मैंने इसलिए बता दी। और ये कढ़ाई मैंने बड़ी इसलिए रखी है क्योंकि मेरी यहाँ बनेगी लौकी की बर्फ़ी। तो ये देखिए मैंने पहले से ही घिस कर इसका पानी निकाल कर, और इसका रस पानी निकाल कर मैंने लौकी का नकुल को पिला दिया था। तो मैंने कहा उसकी आँखों को फ़ायदा मिलेगा इसलिए पिला दिया था उसको। तो इसमें डाला है मैंने घी एक चमचे के बराबर, और तब तक कढ़ाई गर्म होगी। तो मैंने इधर रायते बनाने की तैयारी हो रही है मेरी। आजकल पता क्या हो गया मेरे साथ कि बिना रायते की रोटी नहीं अच्छी लगती मुझे, पता नहीं क्या हो गया। इस लॉकडाउन में भी भाई खर्चे पे खर्चा बहुत बढ़ रहा है, और अगर चाहो भी ना कि नहीं बनाओ तो फिर पेट नहीं भरता, अच्छी नहीं लगती। मुझे भी यही आदत हो गई, इनको भी यही आदत है, उन्हें भी भाई रायता ज़रूर चाहिए। तो इनके सारे थोड़ा थोड़ा हो जाता, और ज़्यादा नहीं बनाती मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, डेढ़ गिलास बस, डेढ़ गिलास बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से हिला लिए वो लौकी की बर्फ़ी को, अब वो थोड़ी पकेगी तो मैं इसमें डाल दूँगी। दूध भी लगे आप तो दूध के साथ पक जाएगी। तो मैंने इसमें दूध डाला है करीब पौना लीटर, एक लीटर से कम है तो मैंने वही डाला, क्योंकि एक लीटर पूरा दूध था मेरे पास तो मैंने इसलिए कम डाला, क्योंकि दिन में केशव कभी कभी मांग लेता है, और हमारे घर के पास जो डेयरी वो बंद भी हो जाती है, तो मैंने थोड़ा सा बचा भी लिया है। और घर वालों से ही मांग लेती, कभी कभार ऐसा होता है नहीं भी हो पाता किसी के पास तो फिर भूखा रह जाएगा वो, तो इसलिए मैंने थोड़ा बचा लिया है। और यहाँ मेरी बन रही है, बन रहा है रायता बूंदी का, और मुझे रायता हमेशा तड़के वाला अच्छा लगता है।
मेरे ससुराल में बनता है रायता, वैसा जीरे को भून के पाउडर पीस कर खाली ऐसे ही डाल देते हैं। अब मैं हमेशा तड़का लगा कर ही बनाती हूँ रायता। मेरे मायके में बनता है तड़का लगा कर, तो मुझे शुरू से तड़का लगा कर ही अच्छा लगता है। भुना हुआ जीरा भी डालती हूँ मैं, जीरा पाउडर भी डालती हूँ मैं, पर लेकिन ये तड़का मैं ज़रूर लगाती हूँ हींग जीरे का। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जो खाते उन्हें पता है टेस्ट कितना अच्छा आता है और कितना आता है, बहुत आता है मतलब हैं। तो मैंने यहाँ मेरा रायता बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया एकदम। सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, सब चीज़ रेडी हो गई, खाली रोटी सेकना रह गया है बस। तो रोटी ये सिकवा देते हैं कभी कभार मेरी। और आज किचन में बहुत काम किया मैंने, बहुत ही ज़्यादा लगे पड़े रहे किचन में भाई, कम से कम आध पौन घंटा में किचन में ही लगे पड़े रहे। तो ये देखिए मेरा, मेरी बर्फी तैयार है बनकर एकदम रेडी है, बिल्कुल अच्छी बनी है। मैंने चीनी वीनी सब डाल दी है इसमें। तो यहाँ घी लगा लूँगी मैं इसमें, देसी घी थाली में इसे फैलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, फैलाना है मुझे ये लौकी की बर्फी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, मुझे पता है भाई। कमेंट तो बहुत करते हैं लेकिन लाइक नहीं करता कोई, मुझे पता है, मैं जान लेती हूँ। क्योंकि लाइक आएंगे 4-5 और कमेंट आ जाएंगे 8-10, ऐसे आते हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी से भाई। किसी को पसंद होगी तो ही लाइक करेंगे, अब किसी को जाके फ़ोन में तो घुस के बोल नहीं देंगे भाई कर दो, मुँह से ही बोल सकते हैं। मैं तो भाई सबकी वीडियो लाइक करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे पता है कि लाइक भी करना है भाई, तो मैं तो लाइक कर देती हूँ वीडियो को। तो ये सेट हो गई अच्छे से, तो ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। ये बैठी है बहुत देर की, कितना टाइम हो रहा है, 6:30, और इनकी एनिवर्सरी आने वाली है शादी की, है ना? हाँ, 24 मई के साल हो जाएगी शादी, कितनी 18 साल हो जाएंगी, है? हाँ, मैं ना तुम्हारी एनिवर्सरी गिफ्ट बनाने वाली, पता तुम्हें? हाँ, सरप्राइज देख लो, बिना पैसों का। और बाजार नहीं जाऊँगी, घर में बैठे, और अपना दिमाग मत लड़ा देना कि क्या क्या बनाऊंगी मैं, ठीक है? हाँ, ये देखो ये फ़ोन में लगी पड़ी है, तो फोन में लगे पड़े सब। आज इनने भी लौकी का हलवा बनाया ना, इन्होंने भी बनाया घर में। हाँ, घर में हम 6 फैमिली हैं, 6 लोग, और 5 ने बनाया है, 1 ने नहीं बनाया है। वही बनाएंगे, बताओ शाम को बनाएंगे। अच्छा, वो शाम को बनाएंगे, तो मुझे नहीं पता। तो 6 उन्होंने बना लिया भाई, क्योंकि लौकी बहुत सस्ती है हमारे यहाँ पर, इसलिए। हाँ, बहुत सस्ती है, तो भाई सस्ती है तो खोया नहीं मिल रहा ना। हाँ, देखना से। और सब लोग चले गए हैं छत पर, और हम जा रहे हैं काम करने। 6:30 बज गए हैं, 7 बजने वाले हैं अभी, मतलब 6:35 हो गए हैं, और सब फ़ोन में लगे पड़े, लगी रहो कोई ना, नहीं कर लो फिर लगी रहो। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चलो भाई, बाय बाय कर दो जल्दी से। बाय दीदी, बाय। तानिया देखो कैसे है, दुपक्कर। ये वही लड़की है जो कल बोल रही थी सेलिब्रेट कर लो भाई इतनी जल्दी, बताओ करेंगे टाइम आने तो जब करेंगे सेलिब्रेट।